नमस्कार, वेलकम टू फूलों किचन। आज मैं आपको बताऊंगी पौष्टिक सलाद बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम हरी मूंग की दाल, 50 ग्राम चने काले, एक टमाटर कटा हुआ, एक प्याज कटा हुआ, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच अमचूर, 2-3 चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे इसमें डालेंगे, कढ़ाई में ऑलिव ऑयल। अब हमने डाला जीरा, जीरा ब्राउन होने तक हम इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे। अंकुरित दालें 24 घंटे पहले हमें भिगो के रखनी है और जब वो अंकुरित हो जाएंगी उसके बाद ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने पहले से ही अंकुरित करके रखी हुई है। अब हमारा जीरा ब्राउन हो चुका है, इसमें हम नमक डाल दिया, अमचूर, इसे अब हम बॉयल में निकाल लेते हैं। इसमें हमने मिलाया कटा हुआ टमाटर, प्याज, इसमें धनिया मिलाया, हरी मिर्च, अब इसे हम सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। अब इसे हम डेकोरेट करने के लिए मोजरेला से इसे रेडी करते हैं। ये हमने डेकोरेट किया। और ये हमारा पौष्टिक सलाद तैयार है।